नमस्कार दोस्तों, गीता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो किचन से स्टार्ट कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। किचन में बर्तन धोए थे रात को, वो ऐसे ही रख दिए थे, उनको लगा रही हूँ और आ गई हूँ। सुबह मॉर्निंग से ही वीडियो स्टार्ट कर दिया है और आ गई हूँ किचन में। आप लोगों को दिख रहा है मैं क्या कर रही क्या नहीं कर रही हूँ। तो चलिए चाय वाय से स्टार्ट करती हूँ। ब्रश वगैरह कर लिया, मुंह धो लिया है, उसके बाद में मैं किचन में आई हूँ। तो ब्रश करते हुए मुंह धोते हुए नई वीडियो बनाई, आके सीधा डायरेक्ट किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी सी वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के बीच में। तो आप लोग लास्ट तक रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी स्प्राउट की सब्ज़ी। स्प्राउट आप लोग जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्प्राउट की सब्ज़ी बनाऊँगी। मूंगी मटकी जिसको बोलते हैं, मूंग को ना वो अंकुरित करके बनाया जाता है, उसको बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ चाय चढ़ा दूंगी। दूध डाल दिया है मैंने लोटे से, और चाय चढ़ाने के बाद फिर मैं आप लोगों को रेसिपी मतलब शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी रेसिपी। तो ये मैंने पानी डाल दिया है थोड़ा सा, और चाय की पत्ती डाल देती हूँ। तो इधर मैंने मतलब ये खिड़की खोल रखी इसलिए कम दिख रहा है, अभी मैं इसको बंद करूँगी खिड़की को। और देख पहले चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद में मैंने डाल दिया चीनी डाल के और चाय को उबलने दूँगी। और ये देखो स्प्राउट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मूंगी मटकी है जो, तो ये देखो मैंने खिड़की बंद कर दिया, आप देखो अच्छे से दिख रहा है। तो ये देखो अंकुरित हो चुकी है मूँग, तो इसको मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इधर मतलब मैं उसको थोड़ा सा निकाल रही हूँ और थोड़ा सा उस प्लेट में रखूँगी, क्योंकि सारा नहीं बनाऊँगी, सारा बना दूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी। निकाल के रख दूँगी फ्रिज में, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसको फ्राई कर देंगे, बच्चे खा लेंगे। तो इधर मैं मतलब टमाटर काट लेती हूँ, इसमें मसाला तैयार करूँगी, टमाटर प्याज और लहसुन और हरी मिर्च। तो पहले टमाटर काट देती हूँ, इसमें सारा निकाल के लेके आई हूँ फ्रिज से, धुला धुलाया मैं देखा आप लोगों ने, फ्रिज में जो सामान रखती हूँ वो धुल के तक उसकी बाद रखती हूँ। तो इधर टमाटर काट लेती हूँ, टमाटर काट के ये देखो टमाटर काट दिए, अब काट रही हूँ प्याज। और सारा पेस्ट बनाना है मुझे, अगर काट के डालना है आप लोगों को तो काट के भी डाल सकते हैं, मैं जो हूँ इसमें पीस के पूरा प्योरी बना के डालूँगी, उससे जो है ना कलर अच्छा आएगा। और टमाटर जो ना लाल लाल डालना चाहिए, क्योंकि लाल टमाटर डालने से कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो ये देखो मैंने दो प्याज डाले हैं, तो जल्दी जल्दी से कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग में, आप लोगों को पता है जल्दी जल्दी से होता है। और ये हरी मिर्च निकाल ली है, इसको भी डाल देती हूँ अच्छे से। तो ये देखो मैंने सारा सामान रख लिया है और मैं इसको पीस लेती हूँ मिक्सी में, बना लेती हूँ पेस्ट। और पेस्ट बना के फिर मैं आप लोगों से, इधर मेरी चाय भी जो है ना बन रही है, चाय भी बन गई तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चाय को जो थोड़ा कम कर दिया है गैस को मैंने, धीरे धीरे मतलब पकेगी तो अच्छी रहेगी। जब तक मैं इधर चाय वो पीसूंगी, उधर एक मतलब टाइम मेरी चाय में बहुत टाइम लगता है, मुझे चाय जो है ना बहुत अच्छी चाहिए होती है, जल्दी पल्दी वाली चाय नहीं चाहिए होती। कितना भी टाइम लगे चाय जो अच्छे से पकती है, खुशबू आने लगती है, वो चाय ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो मेरी चाय बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले सुबह चाय चढ़ा देती हूँ। तो इधर मिक्सी मैंने निकाल दी है, पीस लिया है मसाला। तो ये मैंने कढ़ाई रख दिया है, आप लोग देख सकते हो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और चाय दूसरी तरफ डाल दी है, और गैस को मैंने धीमा कर दिया है ताकि जो पके धीरे धीरे से। और ये देखो मसाला मैंने डाल दिया है, जो भी पीसा था सारा मसाला इसमें मिला दिया है, सारा मसाला डाल दिया। और इसको मैं धो के भी डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी मसाला लगा रह जाता है, तो इसलिए धो के डाल देती हूँ तो थोड़ा सही रहता है, सारा मसाला पहुँच जाता है। तो ये रख दिया इधर बेसिन में। तो इधर हमारा मतलब ये मसाला पूरा अच्छे से पक रहा है, चाय भी साथ में पक रही, साथ साथ में जब तक चाय मतलब ये सब्ज़ी छौंकेंगे तब तक हमारी चाय जो ना बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो ये देखिए सब्ज़ी छौंक के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी चाय पीने में।
तो ये इधर डाल दिया हल्दी पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, तो और ये धनिया पाउडर। इतनी चीज़ें डाल के चला देती हूँ। कलर तो पहले ही टमाटर की वजह से बहुत अच्छा आया हुआ, और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था तो थोड़ा सा तो और ज़्यादा अच्छा हो गया। आप लोगों को दिख रहा होगा कितना अच्छा कलर आया है मसाले का। तो मुझे ना सब्ज़ी में मसाला जो है ना रेड रेड ही अच्छा लगता है, तो सारी सब्ज़ी मैंने अच्छे से मतलब मसाले जो ना अच्छे से भुन गए हैं मेरे। तो आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से मसाले भुने हुए हैं, पूरा अच्छे से एकदम तैयार हो गया है। तो इसमें मैं अब डाल दूँगी और स्प्राउट, तो ये सारा अच्छे से मसाला पीस भुन गया है। तो ये देखिए मैंने डाला है इसमें स्प्राउट, स्प्राउट डाल के अच्छे से चला देती हूँ, काफ़ी अच्छे से चला दूँगी, सारे स्प्राउट जो ना अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मैंने ना इसको पहले दो दिन पहले भिगाया, भिगा के फिर इसने एक दिन मैंने इसको बांध के रखा तब ये स्प्राउट निकला है। तो इसमें डाल देती हूँ ग्रेवी के अनुसार पानी है। तो सब्ज़ी मेरी बन के तैयार मतलब छौंक दी है मैंने। अब मैं चलती हूँ चाय पीने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। नमस्कार, जय माता की, थैंक यू सो मच।